बहुत अच्छा समझती थी मैं लोगों को। मुझे लगता था अपने घर के माहौल की वजह से तुम मजहब और रिवायत से इतनी दूर हो, तो जुनेद के अम्मा अब्बा के यहाँ जाकर उनके माहौल में ढल जाओगी। मगर छोड़ो यार, ये सब दोगले लोग हैं। इस मुनाफ़कत से तो अच्छा है इंसान जैसा है वैसे ही नजर है। कम से कम मजहब के नाम पे बेस बदल कर इस्लाम को तो बदनाम ना करे। मामा इसलिए तो छुटकी है उनसे। और तुम क्या करो, दिल का मामला है, जुनेद के बगैर रह भी नहीं सकती। बिलीव मी, वो बहुत अच्छा है, अपने घर वालों से बहुत डिफरेंट। आई होप सो। अच्छा शाम में चलूंगी साथ। कहाँ? जवाद के साथ, उसके किसी दोस्त के यहाँ सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। ओहो, जवाद के सारे दोस्त निकम्मे। लड़कियां एक से बढ़कर एक छिछोरी और लड़के सबके सब वाहियात। वो कह रहा था उसकी लाइफ में चेंज के साथ साथ उसकी कंपनी में भी चेंज आया। मैं देखना चाहती हूँ कैसे। जवाब शायद बदल भी जाए मगर उसके फ्रेंड्स। चल के देखते हैं ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं। तुम जिस बात का मुझे डर था ना, बिल्कुल नहीं हुआ। पर हमें तो सच्ची कुछ करना ही पड़ा। उस लवाल बला के करतूत ऐसे सामने आए कि किरण वहाँ से लवाल बला पड़ती खुद ही भाग गई। तोबा भाभी, शक्ल से ऐसे जैसे इनसे ज्यादा कोई नेक ना हो, मगर निकले हमारे जैसे। वैसे सच में जरा उनसे पूछना तो सही कि ये बिजली का हेर फेर कैसे किया उन्होंने। हमारा तो इस दफा भी बिल बहुत ज्यादा है। शफीक तो बेचारे चार रातों से सोए ही नहीं। अब छोड़े ना भाभी, ऐसी क्या बात है, रिश्तेदारी है, इतना भी नहीं कर सकते। आखिर इंसान इंसान भी काम आता है ना। हाँ, तो बस सही। बड़े ज्यादा है नानी जी। हाँ, मैं तो आपके रोज ही लड़ा थे, आपके लाते को भी आते हैं मेरे पास। बख्श कहते हैं, बख्श कहते हैं। आजकल वैसे भी आपको मेरी हर बात मिल सकती है। क्यों प्यार पड़ गया इस बच्ची की? मेहमान है, चली जाएगी कुछ दिनों में। उसके दादी नहीं है, नानी नहीं है। अगर वो मोहब्बत से कुछ बातें मुझसे कर लेती है और मैं उसका मोहब्बत से जवाब देती हूँ तो क्यों चलता है? मुझे जलन नहीं होगी तो क्या पड़ोसियों में जलन होगी? मैं आपका नवासा हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करें। आप काम खा में हर ऐरे गए। आपकी तबीयत कैसी दादी? ठीक है बेटा। आओ नाना, आपकी गोद में तो इतनी मीठी नींद आती है। लाइट ऑफ कर दे, पर्दे बंद कर दे। बेटा तुम आओ, बैठो। फिर कभी सही दादी, वैसे भी ये आराम का वक्त। मेरा आराम तो चलता रहता है सारा, और क्या करना होता है मुझे? नहीं दादी, आपके नहीं किसी और के आराम का। अरे जाने दे नानो, जाने दे, इस वक्त क्या अपने आराम का वक्त हो रहा है? वैसे भी हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है हमारी तरह के। थोड़ा सा वक्त आपके साथ। अरे सुनो किरण, सुनो, क्या किया तुमने? है तू तो क्या कैसे नहीं था? बड़ा दिल का नसीब, बड़ा दिल का नसीब। अरे किरण, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पहले मैं अम्मा के कमरे में गई, इस वक्त तो तुम वहीं होती हो ना? जी, लेकिन आज तो वहाँ पर कर्फ्यू ना आपने बुला, तो शायद मार्शल लॉ लगा। कर्फ्यू, मार्शल लॉ, ये क्या? एक ही तो डिक्टेटर है आपके घर में, जो शायद आज यूनिवर्सिटी नहीं लिया। ओ, तुम हादी की बात कर रही हो। क्या कहा उसने? वो कब कुछ नहीं कहता। मैंने तो उसकी बात का नोटिस लेना ही छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। चलो बैठो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। किरण, ये मैं तुम्हारे लिए ईद का तोहफा लाई। वाकई? वैसे ना अम्मा बताती थी कि पाकिस्तान में ईद करने का यही मजा है कि तोहफे संभालते संभालते ही थक जाते हैं। अरे पापा, ये तो वही सूट है जो आपको मुझे दिखाया था, मगर ये तो आपका है ना? अरे नहीं भाई, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, साथ में मैचिंग चूड़ियां भी हैं, हादी की पसंद की। बहुत प्यारी। हादी,
फिर तो मैं नहीं लेने वाली। उसका क्या भरोसा, वापस मांग ले तो। और आपने उसे बताया कि आप मुझे दे रही हैं? अब हाँ हाँ हाँ, उसे पता है, पता है उसे। हैरत है, कंजूस मक्खी चूस जो किसी को अपनी मुस्कुराहट देने को तैयार ना हो, वो आपको तोहफा देने के लिए कह रहा है, वो भी मेरे लिए। इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। नहीं ताईजान, मैं तो बस ऐसी मजाक में गुप्पो को। वैसे तो तुम कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं। बेटा कमाने लगा है तो भी भाइयों को नोच दिया, अब बड़े पैसे आ गए तोहफे देने के लिए। भाभी वो भाई अपनी खुशी से देते हैं, और मना मैं उन्हें इसलिए नहीं करती कि वो बुरा मान जाएंगे, वरना मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। 3-4 हजार का तो होगा, हादी की इतनी औकात का? किरण बेटा, ये तोहफा तुम्हें जहाँ से भी आ रहा हो, यही समझना कि हमारी तरफ से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शफीक ने सादिका को ईद के खर्चे के लिए पैसे दिए। कौवा भी हंस की चाल चलने लगा, मेरी और समीना की बराबरी करो तुम्हें तोहफा दे। इतने सालों में इतनी तौफीक तो हुई नहीं कि मेरे फवाद या समीना के साइन को कोई तोहफा दे। चले किरण। I'm sorry पुप्पो, मेरी वजह से ये सब हुआ। पढ़ना नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे तो आदत हो गई है सब सुनने और सहने की। नहीं डालनी चाहिए आदत, हर किसी की नाजायज बात और ज्यादती बर्दाश्त करना सबर नहीं कहलाता। मैंने तो कभी शहना, फवाद और जवाद को भी इसीलिए तोहफे नहीं दिए कि ऐसे ही ताने सुनने को मिलेंगे। वैसे भी उनके मयार के गिफ्ट मेरी औकात से बाहर है। तुम्हें भी तोहफा इसलिए दे दिया कि तुम मुझे उनसे अलग लगती हो। तुम तोहफे की कीमत नहीं बल्कि देने वाले की मोहब्बत देखोगी। जब आपको पता है मेरे बारे में तो आप दुखी क्यों हो रही? मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही। मुझे उस वक्त उस जोड़े की, उस सूट की कितनी जरूरत थी आपको अंदाजा भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही? मैं रोजे में झूठ बोलूंगी क्या? असल में मैंने इमोशनल होकर कह दिया था कि इस ईद पर मैं अपने से लेकर जोड़ा नहीं पहनूंगी, बल्कि गिफ्ट्स में जो सूट मिलेंगे वो ही पहनूंगी। अगर आप मुझे ये सूट ना देती तो मेरी ईद का तो कबाड़ा निकल जाता। और वो जो नायला भाभी और समीना ने गिफ्ट दिए हैं वो दिखाऊंगी आपको, शानदार जौक के शाहकार सूट। मगर कुकुर वो सूट कितने भी अच्छे होते, उनमें से मोहब्बत की वो खुशबू नहीं फूट सकती थी जो आपके सूट में से आ रही है। थैंक यू सो मच।